हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ब्लैक एंड वाइट डिजिटल कैमरास के बारे में। वैसे तो जब हम फिल्म का कैमरा यूज़ करते थे तो फिल्म हमेशा शुरुआत ही ब्लैक एंड वाइट से हुई थी। कलर फिल्म शुरुआत में नहीं आई थी, तो फोटोग्राफी की शुरुआत ब्लैक एंड वाइट से ही हुई थी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में कलर डिजिटल कैमरा से ही शुरुआत हुई है। तो हम जब कलर 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 करते समय वापस से हमको ब्लैक एंड वाइट आर्ट की याद आने लग गई, तो कुछ ही लोग हैं जो कैमरा मैन्युफैक्चरर्स एक्सक्लूसिव ब्लैक एंड वाइट कैमरास बनाए हैं। उसमें नाम सबसे पहले आता है लाइका कैमरा का। लाइका वालों ने ब्लैक एंड वाइट एक्सक्लूसिव कैमरास डिजिटल के बनाए हैं। दूसरा फेज़ वन एक डिजिटल बैक बनाने वाली कंपनी है। आजकल कैमरा भी उनके आते हैं लेकिन मीडियम फॉर्मेट आते हैं। डिजिटल बैक भी मीडियम फॉर्मेट ही आता है ब्लैक एंड वाइट वाला उनका, कलर के अलावा। और सिनेमा कैमराज में रेड कैमरा एक ऐसा है जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा कैमरा भी उन्होंने बनाया है। बस ये तीन ही कंपनी ऐसे हैं जो ब्लैक एंड वाइट आर्ट को आज भी डिजिटल वर्ल्ड में भी जिंदा रखने की कोशिश की है। आपको ब्लैक एंड वाइट रिजल्ट्स और ब्लैक एंड वाइट कैमरास के बारे में बताने के लिए कुछ बातें आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब हम कलर फिल्म यूज़ करते थे तब कलर फोटोग्राफी प्रिंट्स के रूप में हम देखते थे, लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड आई है तो कलर डायरेक्ट आप रिजल्ट ले सकते थे। आपका जो सेंसर होता है उसके हर पिक्सल के ऊपर आपको फिल्टर लगा हुआ मिलता है। आपको फोटोग्राफ्स कलर दिखने के पीछे का रीज़न क्या है वो समझना अगर है तो आप एक सिंपल सा तरीका देखिए। अगर आपने लाल कलर का गॉगल पहना है, आपको सारी दुनिया लाल दिखती है, लेकिन ऐसा बोलने से बेटर ये है कि जिन जिन सब्जेक्ट में जो वाइट लाइट गिरने के बाद में बाउंस होके हमारे आंखों तक आ रही है, उसमें से सिर्फ जो सब्जेक्ट के अंदर लाल कलर है वही हमारे आंखों तक पहुंचेगी, बाकी सब आपका लाल कलर का गॉगल रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरह से अगर आप ब्लू पहनते हो तो वैसा ही होगा, ग्रीन पहनते हो तब भी वैसा ही होगा, सिर्फ ग्रीन कलर ही अंदर जाएगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ब्लू स्काई है उसको आप देखते हो लाल कलर के गॉगल के पहनकर, तो आपके आंखों तक ब्लू कलर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देगा ब्लू कलर को, तो आपको ग्रेइश दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें लाल है ही नहीं। हाँ, अगर ब्लू के अंदर वाइट भी थोड़ा सा मिक्स है तो आपको हल्का सा लाल दिख सकता है, जैसे क्लाउड वगैरह है तो क्लाउड आपको लाल दिख सकते हैं, लेकिन ग्रे बैकग्राउंड में लाल दिखेंगे क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड है। तो ये एक साइंस, कलर साइंस है। तो आप इसको ध्यान में रखकर आप सोचिए कि अगर हम कलर सेंसर के ऊपर कोई फोटोग्राफ कैप्चर कर रहे हैं तो कलर फोटो आने का सिंपल सा रीज़न है कि आपके पास में जो पिक्सल्स सेंसर के ऊपर है उस पर ग्रीन रेड ब्लू ये तीनों कलर के फिल्टर लगे हुए होते हैं। जैसे एक चार पिक्सल का ग्रुप है तो दो ग्रीन एक रेड एक ब्लू फिल्टर लगा हुआ पिक्सल उसमें होता है। और आप कोई भी फोटोग्राफ कैप्चर करते हो तो लाल कलर का लाइट सिर्फ लाल पिक्सल में ही जाएगा, बाकी पिक्सल में नहीं जाएगा। अगर आप ब्लू कलर का इमेज कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो ब्लू पिक्सल में ही उसकी लाइट जाएगी, बाकी इसमें नहीं जाएगी। अगर वाइट कलर का ले रहे हो तो तीनों पिक्सल में लाइट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो कलर फोटोग्राफ ले रहे हो उसमें 100% रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर आप 50 मेगापिक्सल कैमरा से कलर फोटोग्राफ ले रहे हो और आपके पास नीला आसमान है तो वो जो नीला आसमान वाला एरिया है वहाँ पर सिर्फ 25% पिक्सल को ही एक्सपोजर मिलेगा, बाकी इसको मिलेगा ही नहीं।
अगर आप ग्रीन कुछ कैप्चर कर रहे हो तो 50% पिक्सल्स ही कैप्चर होते हैं, क्योंकि ग्रीन 2 पिक्सल होते हैं, तो 50% पिक्सल में लाइट जाएगी, 50% में नहीं जाएगी। जिस पिक्सल के ऊपर ब्लू और रेड कलर का फिल्टर है उसमें नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कलर इमेजेस जो होते हैं उसका रेजोल्यूशन जो होता है 50 मेगापिक्सल का कैप्चर करने के बावजूद भी सारे पिक्सल्स में लाइट नहीं जाती है, इसलिए उसके डिटेलिंग्स जो हैं 50 मेगापिक्सल वाले नहीं आते हैं। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट 50 मेगापिक्सल कैमरा अगर है तो हर पिक्सल में 100% कोई ना कोई लाइट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर के पिक्सल्स के ऊपर फिल्टर नहीं होता है, तो वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ही कैप्चर करता है और आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आता है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कलर पिक्सल्स वाला जो कैमरा होता है उसके मुकाबले में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल वाला कैमरा कम से कम 3 गुना शार्प फोटो ले सकता है। तो इसीलिए अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज का कोई आर्ट में इंटरेस्ट है तो कलर फोटोग्राफ को बाद में एडिटिंग के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट करने से बेटर है कि डायरेक्ट कैमरा ही ब्लैक एंड व्हाइट खरीदे, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत कम से कम लाइट वाला एरिया भी एक्सपोज होता है। ड्यू टू देर इज नो कलर फिल्टर्स ऑन सेंसर, तो ये बेसिकली फर्क होता है। इसीलिए लाइका का जो M10 ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है बहुत महंगा होता है, मतलब ये कैमरा सस्ते भी नहीं होते लेकिन बहुत महंगे, और लेकिन रिजल्ट लाजवाब होता है। जो रेड कैमरा है जो ब्लैक एंड व्हाइट एक्सक्लूसिव बनाया हुआ है, आजकल अगर किसी को पीरियोडिक पुरानी फिल्म की तरह कुछ बनाना है स्टोरी में जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट करना है तो उसी पे करना बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कलर कैमरा पे शूट करके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट करना। फेज वन जो मैंने बताया है वो तो इतना लाजवाब है कि आपको मीडियम फॉर्मेट का ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल बैक मिलता है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। आपको भी कल चल के कभी ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा यूज करना हो तो एक्सक्लूसिव ब्लैक एंड व्हाइट खरीदिए, ना कि कलर इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए। सी यू सून, थैंक यू।